कौन का मतलब क्या है, उस कौन को कैसे डिफाइन करेंगे? ना अपनी कम्युनिटी को जानते हैं, ना अपने प्लेस को जानते हैं, ना अपनी मिट्टी को जानते हैं, ना हमारे पूर्वजों में कौन क्या रहे हैं, कैसे रहे हैं। आपको गोत्रकारों का ही नहीं पता, वो किसे तो पंडित जी के लिए होगा? आपके इलाके में लोग कैसे आए थे, कैसे जा रहे हैं, कौन अच्छे लोग हैं, कौन बुरे लोग हैं, क्या फूड सिस्टम है, क्या बायोडाइवर्सिटी, एवरीथिंग आई मस्ट नो। कि अगर मुझे जैसे फूड सिस्टम की बात कर रहे थे, कि अगर आज पिज्जा नहीं मिलता तो मैं जिंदा रह सकता हूँ अपने गाँव में, लेकिन अगर उस गाँव से बाहर गया नहीं हुआ कभी कि मेरे खेत में कौन सा ग्रास है, कौन सा फ्रूट है, कौन सी फसल है, मेरे गांव में क्या होता है, तो मैं तो भूखा मरूंगा। एंड वी अवॉइडेड दैट नोइंगली इन अवर एजुकेशन सिस्टम, नॉट टू टीच व्हाट यू हैव, वी आर टीचिंग व्हाट यू डोंट हैव, एंड दैट विल बी अवेलेबल नो वेयर, दैट विल बी अवेलेबल ऑन द माइन द माल ओनली इन द यूरोप और अमेरिका कनाडा, नॉट इन योर विलेज। दैट इज द आयरनी ऑफ द अवर सिस्टम। बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज कोरोना क्या कर सकता था हमारा? कुछ नहीं। कोरोना ने किया भी हमारा कुछ नहीं है। वी रिजेक्टेड अवर फूड बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस। हाँ, दीज आर नॉट गुड, बट बेसिकली दीज वर द कंपोनेंट ऑफ द फूड सिस्टम विच मेड अवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। हम कोरोना से कैसे बचे? बिकॉज ऑफ अवर इम्यून सिस्टम, देयर वाज नो मेडिसिन। ये स्पाइसीज, ये स्पाइसीज थोड़ी है, ये तो टॉनिक्स थे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के, लेकिन रिजेक्टेड बिकॉज ब्रिटिश सेड दिस, कि तुम वाइल्ड है बाकी मत तो। पर आज फिर कह रहे हैं गो टू द इंडियन फूड। नहीं, अजवाइन खानी है आपको, सरसों का तेल यूज करना है आपको, धनिया लेना है आपको, नीम खानी है आपको, अपने खेत की कोई दूसरी फसल लेनी है, रूट्स खाने हैं, सूट्स खाने हैं, या पत्ता खाना है, या बीज खाना है, ये तो हमारे पूर्वज बताया करते थे, डोंट ईट बेक्ड, एवरीथिंग बेक्ड, और बेक कहां करनी है? आई मीन वी डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग नोइंग इन द नेम ऑफ मॉडर्निज्म। हमें पहले अपनी पहचान खत्म करी गई हमारी, और फिर हमें कहा गया कि तुम रूढ़िवादी हो। हम कह रहे हैं कि नहीं, जो तुम कर रहे थे वो ठीक थे, यू वर राइट। वही है ना कि एक बार जो हमारा सिस्टम क्या करता है, पहले आपके बिल्डिंगें बनवा देता है, फिर उसको तोड़वाता है, फिर कहता है नहीं ये गलत बनी नहीं, फिर दोबारा। रीजन इज कि वी आर नेचुरल लाइक दिस, बिकॉज पहले हम सेल्फ थे, उसके बाद 250 BC के बाद भी अगर आप देखें तो ठीक है, मुस्लिम आए उन्होंने लूटा, ठीक है। उससे पहले अशोक कलिंगा का युद्ध से अगर आप ले लें अपने आप को, कलिंगा के युद्ध के बाद अशोका, द ग्रेट अशोका, जो एक बहुत बड़ा योद्धा था, वो क्या हो गया? पेसिमिस्ट हो गया कि नहीं ये सब बेकार है, और संत बन गए अशोका जी, बुद्धिज्म आ गया वहां से, है ना। उसके बाद अशोक का एक्सट्रीम इतना हो गया कि हमें लूटने आ गए सारे इन्वेडर्स, कि नहीं तो अपने अपने में बंटे रहे, सारा सोना लूट लिया, बिजनेस करने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि तो वो इंडिया टू बिजनेस सेंटर, देन केम द ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पर्पज अपना था कि यहाँ रिसोर्सेज है, हाउ टू लूट दिस, दे प्रिपेयर सच ए फोर्स। हमें एक ऐसा सिस्टम दे दिया गया कि बेचना है यहां से सब कुछ, और वो कहां ले जाना, टारगेट वॉज द वही यूरोप एंड ब्रिटेन। हमारी वही साइकी बन गई सबकी, और आज भी वही साइकी है कि वो जो कह रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब हम वी आर कमिंग बैक, इट्स बिकमिंग डिफरेंट। और एक और चीज बन गई कमलेश जी ने, कि माफ कर दीजिए सबको, महात्मा गांधी कन्वर्ट करना है महात्मा गांधी बटर से, क्योंकि हमारे कितनी बार जो एक राजस्थान के वॉरियर रहे हैं, क्या आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, जिन्होंने उसको 16-17 बार हराया था, पृथ्वीराज चौहान जी ने मुस्लिम इन्वेडर जो थे 16-17 बार हराया, 16 बार
मोहम्मद गौरी में आता था और 16 वर्ष माफ करने के बाद, क्योंकि वो आई थी कहां से, सम्राट अशोका से माफी दी। अब वो इंस्टिंक्ट हमारे थी माफी करने की, लेकिन गौरी ने क्या किया, एक टाइम में ही आकर के पृथ्वीराज चौहान को खत्म कर दिया। तो ये बाद में वो खत्म हुए थे, ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिशर्स ने उसको लोट पॉइंट इज के टारगेट ही एजुकेशन का और डेवलपमेंट मॉडल का जो था वो लूट था, और हम लोगों को एक वर्क फोर्स बनाने का था, वर्क फॉर देम, यू नेवर वर्क फॉर आवर सेल्फ। अभी टाइम आया है टू नो योर सेल्फ, काम करेंगे। नहीं बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे, बहुत अच्छा, बिल्कुल करेंगे। तो हम लोग कल निकल जाएंगे।